हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको आंगनवाड़ी संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्र बहुत जल्द प्ले स्कूल के रूप में नजर आएंगे। दरअसल योगी सरकार सूबे के लाखों आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्री स्कूल किट बांटेगी, जिसकी लागत 16 करोड़ रुपये होगी। वहीं आंगनवाड़ी कर्मी बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए उन्हें चार्टर टेबल और बॉल पेंटिंग पर बनाई हिंदी और अंग्रेजी की वर्णमाला, गिनती आदि सिखवाएंगी। उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्र बहुत जल्द प्ले स्कूल के रूप में नजर आएंगे और इसमें राज्य के लाखों आंगनवाड़ी केंद्रों को इसमें प्री स्कूल किट भी दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए प्रदेश सरकार 16 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम पंचायतों और शहरों में स्थित लाखों आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्री स्कूल किट बांटेगी, जिसमें खिलौने और शिक्षा प्रदान करने वाली सामग्री होगी और इससे केंद्र की तरफ बच्चों का आकर्षण बढ़ेगा और उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। ये भी कहा गया कि संस्कार सिखाने के साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। बाल विकास पुष्टाहार विभाग को इन कार्यक्रमों की तेजी से आंगनवाड़ी केंद्रों में लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों ने बताया है कि सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण से लाभार्थियों को अच्छे वातावरण में सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास भी कर रही है, जिसके लिए वो आने वाले समय में 175 करोड़ रुपये की लागत से 199 आंगनवाड़ी केंद्र भवनों का शिलान्यास भी करेगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाले वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको आंगनवाड़ी संबंधित और भी छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।